Let's do question number 45 of exercise 3E, that is linear equation 2 variable. Question number 45 is, the present age of a woman is 3 years more than 3 times the age of his daughter. Jo present age hai woman ki, wo hai 3 years more hai kisse? 3 times, 3 guna zyada hai daughter ki age se. 3 years zyada plus 3 years, 3 times daughter ki age ka, right? 3 years hence, 3 saal baad kitni hogi? The woman age will be, the woman ki age hogi 10 saal zyada hogi, twice the age, lekin daughter ki age ka double hogi. Find the present ages. To hame present age nikalni hai, to hum let kar lenge. Present age nikalni hai, to present age hi let kar lenge. Let the woman present age be x, present age be x years, or daughter ki bhi, daughter present age bhi y years, daughter present age be y years, right? Ye aa gayi. अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे. द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमेन इज, प्रेजेंट एज कितनी है वुमेन की, एक्स ईयर्स. तो एक्स इज इक्वल टू, आगे क्या कह रहा है, 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर. 3 ईयर्स मोर, तो 3 साल ज़्यादा है देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर. डॉटर की एज कितनी थी, वाई. तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. तो ये y की वैल्यू इधर ले आई मैं, इक्वल्स टू 3. ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है, 3 ईयर्स हैंस, 3 ईयर्स आज से 3 साल बाद, 3 ईयर्स हैंस. तो हमने यहाँ लिख लिया 3 ईयर्स हैंस. तो हैंस का मतलब वुमेन की एज कितनी हो जाएगी, आज की एज से, प्रेजेंट एज से 3 साल ज़्यादा. इसी तरीके से डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, आज की एज से 3 साल ज़्यादा. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है 3 ईयर्स हैंस द वुमेन एज विल बी. तो वुमेन की एज कितनी आई 3 ईयर्स हैंस, एक्स प्लस 3. तो एक्स प्लस 3 विल बी, विल बी मतलब इक्वल टू. आगे देखिए क्या कह रहा है, 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर. 10 ईयर्स मोर, 10 ईयर्स मोर ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर. डॉटर की एज का ट्वाइस में 10 साल ज़्यादा. तो इसको सॉल्व कर लिया, एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 10 प्लस 2y प्लस 6. तो x और y की टर्म्स एक साइड और नॉन एक्स वाई टर्म्स दूसरी साइड, माइनस 3. तो ये आ गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 13. ये आ गए हमारी सेकेंड इक्वेशन. तो एक्स, फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी. और सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस 2y इक्वल्स टू 13, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, राइट. हाँ, आप इसको सॉल्व कर लेंगे. तो देखिए x के कोफिशिएंट सेम थे, साइन भी सेम थे, तो हमने नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, तो ये कैंसिल हो गया. ये कितना आ गया, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10. तो पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1, ये कितना आ गया, x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 3. तो x माइनस 30 इक्वल्स टू 3. तो x कितना आ गया, 3 प्लस 30, x की वैल्यू आ गई 33. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वुमेन की प्रेजेंट एज कितनी थी, हमने x मानी थी, तो दैट मीन्स 33 ईयर्स. और डॉटर की एज कितनी थी, हमने y मानी थी डॉटर की एज, तो वो आ गई हमारी 10 ईयर्स इज द आंसर.